हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया था वो हमने आपको पढ़ाया था टेस्टिस, और उस टेस्टिस में हमने आपको टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था कि टेस्टिस में एक्चुअली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं वो किस तरीके से अरेंज होती हैं और कहाँ अरेंज होती हैं, कैसे प्रेजेंट होती हैं, और फिर हमने उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आपको सेक्शन कट करके उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स थी उन सेल्स का डिस्क्रिप्शन बताया था। उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट थी उनका क्या फंक्शन था ये बताया था। और आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले से डायग्राम ड्रॉ करके रख रखे हैं, और ये जो डायग्राम है इनमें हमने बनाया है LS ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, एंड हमने इस साइड पर ड्रॉ किया है मेल पेल्विस शोइंग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो एक्चुअली जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एक्चुअली डक्ट सिस्टम। क्या है डक्ट सिस्टम? अगर आपको याद हो हमने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं उन टेस्टिस में टू टाइप के डक्ट सिस्टम होते थे, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम एंड एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। तो आज हम डक्ट सिस्टम में इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने टेस्टिस का LS कट किया। जब हमने इस टेस्टिस का LS कट किया तो हमें इस टेस्टिस में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़े। अब पहले तो एक बात जान लीजिए आप लोग, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं, और वहां पर इन जो डक्ट सिस्टम है इन डक्ट्स का सिक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी डक्ट कहाँ ओपन होती है। तो चल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेस्टिस का LS कट किया। तो आपको मालूम हो कि कल मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस की आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजीनिया बोलते हैं। और हमने आपको बताया था कि इस ट्यूनिका एल्बुजीनिया की वजह से, इसकी फोल्डिंग की वजह से इसमें क्या फॉर्म हो रहे थे, इसमें फॉर्म हो रहे थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या फॉर्म हो रहे थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हम यहां पर बता देते हैं, जैसे कि ये जो है, ये जो है ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हाईली क्वाइल्ड, ये आपको जो दिखाई पड़ रही है ये हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसका हमने कल आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था और इसका हमने कल TS कट किया था। अब एक्चुअली आज हमें डक्ट सिस्टम पढ़ना है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे स्पर्म किन किन डक्ट से होता हुआ यूरिथ्रा तक पहुंचेगा, पेनिस तक पहुंचेगा। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो दोनों एंड्स होते हैं, द बोथ एंड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई पड़ रही है, और अगर आप देखो तो ये इसका एक एंड और ये इसका दूसरा एंड, और ये दोनों एंड आपस में कॉमन हो जा रहे हैं। अगर आप जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखोगे तो जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं उनके दोनों एंड कॉमन होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबली रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूबली रेक्टाई। तो आप जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखोगे सबके दोनों एंड किसमें, एक कॉमन डक का फॉर्मेशन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबली रेक्टाई बोलते हैं। उसके बाद ये ट्यूबली रेक्टाई जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उन सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ट्यूबली रेक्टाई ओपन हो जाती है कहां पर, इस रेट टेस्टिस में ओपन हो जाती है। कहां ओपन हो जाती है, इस रेट टेस्टिस में ओपन हो जाती है। अब आप देखेंगे कि जो रेट टेस्टिस है, जो रेट टेस्टिस है और
ये सारी की सारी रेड टेस्टिस एक डक का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको हम बोलते हैं बासा एफरेंसिया। क्या बोलते हैं? बासा एफरेंसिया, या इसको डक्टली एफिरेंटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टली एफिरेंटस बोलते हैं। तो ये सारी की सारी रेड टेस्टिस ओपन हो जाती हैं बासा एफरेंसिया में। ठीक है, अब क्या होगा, ये जितनी भी बासा एफरेंसिया हैं, ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डक्टस एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? डक्टस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और ये सारी की सारी जितनी भी बासा एफरेंसिया हैं, दैट इज डक्टिलाई एफिरेंटस, ये कहां ओपन हो गई? डक्टस एपिडिडाइमिस में। अगर आप इसको खाली एपिडिडाइमिस बोलोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्चुअली है क्या, ये जो डक्टस एपिडिडाइमिस है, ये डक्टस एपिडिडाइमिस वो पार्ट है जिसमें तीन स्ट्रक्चर्स हैं। आप देखेंगे मैंने इनको ग्रीन कलर से मेंशन कर रखा है। इसका जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं कॉपर्ट एपिडिडाइमिस, इसका जो मिडिल पार्ट है उसको बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमिस, और इसका जो लास्ट एंड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काउडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो सिंपल सा है कि अब हम अगर थोड़ा सा यहां तक एक बार रिव्यू लें ताकि आपको याद रहे, तो सिंपल सा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही है किसमें? ट्यूबली रेक्टाई में। ट्यूबली रेक्टाई कहां ओपन हो रही है? रेड टेस्टिस में ओपन हो रही है। और रेड टेस्टिस बासा एफरेंसिया के थ्रू कहां ओपन हो रही है? एपिडिडाइमिस में ओपन हो रही है। और अभी हमने आपको बताया कि इस एपिडिडाइमिस को पूरा हम क्या बोल सकते हैं? डक्टस एपिडिडाइमिस बोल सकते हैं। और इसके थ्री पार्ट, कॉपर्ट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस। दिस इज द अपर पार्ट, कॉर्पस एपिडिडाइमिस इट इज द मिडिल पार्ट एंड काउडा एपिडिडाइमिस इट इज द लोअर पार्ट। अब हम जान लें कि इन तीनों को अलग अलग क्यों। अगर हम इसकी बात करें तो कॉपर्ट एपिडिडाइमिस ये ब्रॉड डक्ट होती है जिसमें जितनी भी, अगर आप देखेंगे कि जो बासा एफरेंसिया हैं वो सारी की सारी एपिडिडाइमिस के कौन से पार्ट में ओपन हो रही हैं? कॉपर्ट एपिडिडाइमिस में ओपन हो रही हैं। जो मिडिल पार्ट है कार्पस एपिडिडाइमिस, ये मिडिल पार्ट है, और इसका जो लास्ट पार्ट है काउडा एपिडिडाइमिस, ये ओपन हो रहा है किसमें? बास डिफरेंस में ओपन हो रहा है। कहां ओपन हो रहा है? बास डिफरेंस में। अब अगर आप देखो तो हमने उस दिन अभी आपको बताया और नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी बताया था, ये टू टाइप की होती हैं। एक होती हैं इंट्रा टेस्टिकुलर, क्या होती हैं? इंट्रा टेस्टिकुलर, और एक होती हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। तो अब हम जान लें कि कौन कौन सी इंट्रा हैं और कौन कौन सी एक्स्ट्रा हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं, हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं, ट्यूबली रेक्टाई दिस इज द इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का पार्ट है। रेड टेस्टिस ये भी इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का पार्ट है, मैंने आई मेंशन किया है। ठीक है, तो ट्यूबली रेक्टाई इज अ पार्ट ऑफ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, रेड टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, और ये जो बासा एफरेंसिया है ये भी किसका पार्ट है? ये भी इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का पार्ट है। फिर एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में क्या आता है? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में आपका आ गया डक्टस एपिडिडाइमिस, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, और इसमें थ्री पार्ट्स, काउपर्ट एपिडिडाइमिस, कार्पस एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। तो ये डक्ट सिस्टम हो गया जिससे हमें पता चला कि कैसे स्पर्म डक्ट के थ्रू कहां पहुंचेगा? बास डिफरेंस में पहुंचेगा। अच्छा, बास डिफरेंस दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये जो काउडा एपिडिडाइमिस था जो किसका पार्ट है? डक्टस एपिडिडाइमिस था, इससे क्या अराइज हुई? बास डिफरेंस अराइज हुई। अब हम थोड़ा सा आपको बताएं, यहां पर ये जो एपिडिडाइमिस है ये एक्चुअली
अगर हम बात करें जो स्पर्मिएशन होता है, यानी जब स्पर्म इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इस रेड टेस्टिस से बाहर आता है, तो कुछ टाइम के लिए जो स्पर्मिएशन होता है, स्पर्मिएशन इस एपिडाइडाइमस में ही होता है। तो ये इस एपिडाइडाइमस की क्या है, इम्पॉर्टेंस है। अगर हम थोड़ा सा देख लें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्म हुआ, वहाँ से स्पर्म कहाँ आया, वहाँ से स्पर्म आया ट्यूबली रेक्टाई में, ट्यूबली रेक्टाई से कहाँ आया, रेड टेस्टिस में आया, रेड टेस्टिस से कहाँ आया, रेड टेस्टिस से बासा एफरेंसिया में आया, जिसको डक्टुलाई एफरेंटस भी बोलते हैं, वहाँ से कहाँ आया, वहाँ से आया ये डक्टस एपिडाइडाइमस में, जिसमें थ्री पार्ट्स हैं जो हम आपको बता चुके हैं, और इस एपिडाइडाइमस से स्पर्म कहाँ आ गया, बास डिफरेंस में आ गया। अब आगे का डक्ट सिस्टम अगर हम पढ़ें तो ये जो बास डिफरेंस है ये पेल्विस रीजन में असेंडिंग होती है, और अगर आप इस वाले डायग्राम को देखेंगे तो ये जो बास डिफरेंस है, ये जो मैंने बनाई है, दिस वन इज, ये बास डिफरेंस है, और आप देखेंगे कि ये बास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए आगे की तरफ मूव करती है और एक यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला बोलते हैं। यानी जो बास डिफरेंस है वो आगे की तरफ मूव करती है, किससे होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर्स के ऊपर से होते हुए ये मूव करती है, एम्पुला फॉर्म करती है, और इस एम्पुला रीजन पर क्या होता है कि जो सेमाइनल वेसिकल होती है, वो सेमाइनल वेसिकल और ये जो बास डिफरेंस है ये एक कॉमन पाथ बना लेते हैं, और उस कॉमन पाथ के कारण वहां पर एक कॉमन डक्ट फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इस इजाकुलेटरी डक्ट के पास ही क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब इस इजाकुलेटरी डक्ट के कारण होता क्या है कि ये जो प्रोस्टेट के सेक्रीशन है वो भी इसमें आ जाते हैं, जो सेमाइनल वेसिकल का सेक्रीशन है वो भी इसी डक्ट में ओपन हो जाता है, और एक्चुअली इसी इजाकुलेटरी डक्ट में यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा जो होता है वो इसी में ओपन हो जाता है। तो यूरिथ्रा, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट और इस बास डिफरेंस, ये कॉमन एक इजाकुलेटरी डक्ट में आगे की तरफ मूव करके ये आगे की तरफ यूरिथ्रा पेनिस के थ्रू मूव करता है। अगर आप इस मेल पेल्विस शोइंग यूरोजेनाइटल ऑर्गन को अगर देखेंगे तो इसमें आपको यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है जिसको प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बोलते हैं, जो प्रोस्टेट रीजन के पास में होता है। ये यूरिथ्रा आगे की तरफ पेनिस रीजन में मूव करता है, पेनिस का जो अपर पार्ट होता है जो उसको फोर स्किन बोलते हैं, और इसका जो एंड पार्ट होता है जो ओपन होता है आउटसाइड, वो उसको बोलते हैं, जो उसकी टिप होती है उसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये टेस्टिस है जो किस में प्रेजेंट है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या हो गया, डक्ट सिस्टम हो गया, ये पूरा का पूरा आपका हो गया डक्ट सिस्टम, जिसमें इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम आ गया और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम आ गया। अब अगर हम बात करें आगे तो सिंपल सा एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि बासा एफरेंसिया और बास डिफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें बास डिफरेंस की, तो बास जो डिफरेंस है, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। ये किसका पार्ट होता है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का पार्ट होता है, जबकि बासा एफरेंसिया जो होता है ये किसका पार्ट होता है, ये इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का पार्ट होता है। अब अगर हम बात करें इस बासा एफरेंसिया की, तो ये अराइज होती है किससे, रेड टेस्टिस से। किससे अराइज होती है, रेड टेस्टिस से। और अगर हम इस बास डिफरेंस की बात करें तो ये बास डिफरेंस अराइज होती है किससे, काउडा एपिडाइडाइमस से। किससे अराइज होती है, काउडा एपिडाइडाइमस से, ठीक है। अगर हम बात करें इस बास बासा एफरेंसिया की, तो या ये रेड टेस्टिस से क्या करती है, स्पर्म को रिसीव करती है और कहां लेके जाती है, एपिडाइडाइमस के पास, ठीक है। जबकि अगर हम बास डिफरेंस की बात करें तो ये बास डिफरेंस स्पर्म रिसीव करती है किससे, काउडा एपिडाइडाइमस से, और स्पर्म को लेके जाती है कहां पर, इजाकुलेटरी डक्ट के पास लेके जाती है, ठीक है।
जो बासा एफरेंसिया होती है ये कोई भी ग्लैंड के सेक्रीशन को रिसीव नहीं करती, मतलब जो सेमेनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके किसी भी सेक्रीशन को रिसीव नहीं करती क्योंकि इंट्रा टेस्टिकुलर पार्ट है। जबकि बास डिफरेंस जो है, अगर आप देखोगे कि जब ये बास डिफरेंस आगे की तरफ मूव करी तो इसने क्या किया, इसने इस सेमेनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रीशन को क्या किया, रिसीव किया। तो ये जो है ये डिफरेंस है किसके बीच में, बासा एफरेंसिया और बास डिफरेंस के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है और पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो 15-20 बासा एफरेंसिया जो होती हैं वो टेस्टिस से अराइज होती हैं, जबकि जो बास डिफरेंस होती है वो सिंगल होती है और टेस्टिस से ओनली सिंगल बास डिफरेंस अराइज होती है। तो ये हो गया आपका बास डिफरेंस और बासा एफरेंसिया में डिफरेंस। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, इससे रिलेटेड किसी भी डक सिस्टम में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस जो भी प्रॉब्लम हो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ और पेनिस के साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बायोलॉजी में तो उस बायोलॉजी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अखिलेश सिंह आपके साथ हूँ। तो खूब सारा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एंजॉय करिए और इस लॉकडाउन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। मैं सामने से हट जा रहा हूँ तो जो भी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है इंस्टाग्राम का। थैंक यू।